लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई। सुशांत सिंह केस में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि सीबीआई की स्पेशल यूनिट की बात करें तो उसने ये एफआईआर दर्ज कर ली है। केस की जांच के लिए सीबीआई ने एसआईटी का गठन किया है। तो बड़ी खबर ये, अब सीबीआई जांच से सामने आएगा सच, क्योंकि हर तरफ आप देख रहे थे कि किस तरह से सीबीआई की जो मांग है सीबीआई जांच की वो लगातार उठ रही थी। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, काफी टाइम से जो ये मांग है ये लगातार उठ रही थी, आखिरकार ये केस दर्ज हो गया, लेकिन अब आगे का प्रोसेस किस तरह से रहेगा? देखिए, जो सीबीआई है वो नोटिफिकेशन मिलने के बाद अब जो केस दर्ज है उसका प्रोसेस स्टार्ट कर सकती है। जो एसआईटी यूनिट एक पहले से बनी हुई है, जो कि विजय माल्या और अगस्ता वेस्टलैंड जैसे जो बड़े मामले हैं उनकी जांच के लिए ये एसआईटी यूनिट बनाई गई थी सीबीआई के अंदर ही। अलग से कोई एसआईटी नहीं गठित की गई है, बल्कि पहले से ही एक एसआईटी यूनिट थी जो कि बड़े मामलों की जाँच करती है उस यूनिट के पास ये केस दिया गया है जो कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करेगी। अब क्योंकि मामला दर्ज करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसके साथ ही बिहार पुलिस से इस केस से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं या अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन की गई है बिहार पुलिस की तरफ से, जो भी जानकारी है वो तमाम जानकारियां सीबीआई को देने के लिए कहा गया है, ताकि इसके बाद आगे इस पूरे मामले की जाँच की जा सके। अब एसआईटी यूनिट जो है वो दिल्ली में ही है, इसका मतलब ये है कि जो यूनिट है वो दिल्ली ही रहेगी और जो बिहार में और महाराष्ट्र में जो मामले हैं उसको लेकर के अब वो यूनिट यहीं से जाएगी और आगे की जांच कर देगी। ठीक है, तो शुक्रिया फिलहाल जितेंद्र से तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एसआईटी करेगी अब इस मामले की तफ्तीश। तो सुशांत सिंह राजपूत मामला, ये सुसाइड मिस्ट्री जिससे अब बहुत जल्द पर्दा उठने वाला है, क्योंकि अब सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है और रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ईडी ने रिया को हाजिर होने का समन भी जारी किया है। इन सब के बीच सुशांत केस को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार में जारी तकरार जो है वो खत्म नहीं हो रही। एक आईपीएस अफसर के साथ मुंबई पुलिस ने जो सलूक किया वो बिहार पुलिस को रास नहीं आ रहा है और अब बिहार पुलिस कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर महाराष्ट्र और बिहार सरकार में पहले ही ठनी हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद भी मुंबई पुलिस अपने रवैये पर अड़ी हुई है। कोर्ट से फटकार मिलने के बावजूद बिहार के आईपीएस अफसर विनय तिवारी को अभी तक क्वारंटीन से नहीं छोड़ा गया। सुशांत केस में पहली सुनवाई भी हो गई और बिहार पुलिस के आईपीएस के साथ हुए सलूक पर मुंबई पुलिस को फटकार भी पड़ गई, लेकिन पटना सिटी एसपी का क्वारंटीन अभी तक खत्म नहीं हुआ, लिहाजा बिहार पुलिस अब अपने अफसर के लिए फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है। सुशांत केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है, लिहाजा बिहार पुलिस के चार अधिकारी मुंबई से पटना लौट आए हैं। बिहार के डीजीपी ने ये कहा है कि क्वारंटीन के खिलाफ बिहार पुलिस कोर्ट जा सकती है, इसके लिए कानूनी राय ली जा रही है। रात को 11 बजे जब मैंने विनय तिवारी को फोन किया तो पता चला कि वो अभी भी क्वारंटीन है, मतलब हाउस अरेस्ट ही एक तरह से है ये। अब सवाल है कि इसके बाद क्या करना है, तो हम अपने सरकार को ये बता दिए हैं, महाधिवक्ता से आज राय लेंगे। सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपने से महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ शिवसेना खुश नहीं है। संजय राउत ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को बिहार का निवासी बताकर इस बारे में राजनीति की जा रही है, जबकि सुशांत ने मुंबई में रहकर कामयाबी हासिल की। संजय राउत ने कहा कि सीबीआई जांच के बाद भी मुंबई पुलिस की जांच चलती रहेगी, लेकिन सीबीआई के बहाने कुछ लोग राजनीति भी करना चाहते हैं, दबाव की राजनीति। ठीक है, जिसको करना है करने दीजिए। मुंबई में ही हुआ है ना, जो हुआ है उसका जो दर्दनाक सुसाइड उनकी हो गई है तो मुंबई में हुई है, और बिहार को कब से उससे प्यार आने लगा? वो तो पटना छोड़कर एक उसका जमाना लौट गया। मुंबई में आने के बाद कितने बार पटना और बिहार गए थे वो। उधर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। ईडी ने रिया को शुक्रवार को पेश होने के लिए कहा है। वहीं आज जब जी मीडिया की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची तो सोसाइटी के गार्ड ने यह बताया कि रिया और उनका परिवार करीब एक हफ्ते से अपने फ्लैट में नहीं है, कि रिया को उन्होंने आज से 10 दिन पहले देखा था, उसके बाद वो कहां है कुछ पता नहीं। ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती को कल पेश होने का सम्मान दिया गया। इस वक्त हम खड़े हैं रिया के घर के बाहर प्रिम रोज पर। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें हैं कि रिया वापस घर पर लौट आई हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कोशिश करते हैं जानने की। भैया रिया चक्रवर्ती है क्या घर पे? नहीं है। नहीं है? नहीं। कब आपने आखिरी बार देखा था उनको? आज 8-10 दिन से।
8-10 दिन से। हाँ। रिया चक्रवर्ती के जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर इनके घर के वहाँ पर, उनका ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती अभी नहीं आई है। हालांकि ये भी तय है कि उन्हें ईडी दफ्तर में 7 अगस्त को पेश होने का संबंध दिया गया है। कैमरामैन आसिफ के साथ सोना सिंह, जी मीडिया, मुंबई।